ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस कथा में। आज की कथा है भगवान शंकर के पूर्ण रूप बाबा काल भैरव। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आइए शुरू करते हैं बाबा काल भैरव की पावन कथा। कथा का अंत तक श्रवण जरूर कीजिएगा। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि शक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही इस प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष में समर्थन में शास्त्र वाक्य एक दूसरे को बताने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने कहा, जिसके भीतर समस्त काल निहित है तथा जिससे सब कुछ समाया हुआ है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक रुद्र ही है। इस पर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे वेदो, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती से प्रेम करने वाला नंगा धूल से नहाए हुए शिव को कैसे परम तत्व कह सकते हैं। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्म का पंचवा सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी शिव वहाँ प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा ने उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहा। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रुधि का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की आभास हो गया और वे दोनों शिव जी की महिमा का गुणगान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने भगवान काल भैरव से कहते हुए कि तुमने ब्रह्मा के पांचवे सिर की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पानी हो। ब्रह्मा के पांचवे सिर के कटे उस खोपड़ी को माला की तरह पहन लो और जगत भर में भ्रमण करो और भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह करो। अंत में जब तुम काशी आओगे तो तुम्हारा समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम दोष मुक्त हो जाओगे। तब तुम काशी में ही स्थापित हो जाना। ऐसा कहकर काल भैरव काल से परे है, वह शिव के युवा अवतार है और जो काम नगर पुलिस का होता है वही कार्य काल भैरव करते हैं। तो ये थी भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव बाबा काल भैरव लिखना न भूलना। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।